ये देखिए, तो गेट खुलते ही पता चल गया कि क्या वो बुक लगी है। वो लगी बाबू को अभी थोड़ी देर में देखो, ठीक है? कब तो आपने तोड़ के खा लिया कल। जिंदगी है ये हमारा, नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा। सुबह सुबह इतना जल्दी कचरे वाला और आने लगे, साथ उससे पहले ही आ जाता है, पता नहीं सूरज उगते ही आ जाता है। आग लगा दूंगी, हवा चल रही है ना, नहीं तो मैं कोने में आग लगा देती थी हर बार। ये पता है जो कान में छेद करवाते हैं ना, ये डंठल है ना पतला वाला, लेकर के कान में डालो, जिसको कान की नहीं पहननी होती है। साइकिल रखाया किस दोस्त के पास, साइकिल खाली पड़ी है। चिड़िया चुन्नी बाहर में आग लगवाऊंगी आज, इनकी गाड़ी खड़ी होती है ना। बस हो गया और 10 दिन और पत्ता गिर जाएगा ना, सब ये हो जाएगा। इतना सुबह से ये सब चू चू करने लग जाते, 5:30 बजे से, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे मेरे आगे वाले रूम में सोती है, नींद मेरी खुल जाती है चूचूहाट से। चलो आप लोग बने रहो, मैं झाड़ू वाड़ू करके फिर मिलती हूँ। देखिए हमारी गाय माता खा रही है। मैं पलटा देती हूँ, एक जल्दी आपसे नहीं होगा, मैं पलटा देती हूँ। अरे थोड़ा खिसक जाओ बाबू, ये लो गाय माता खा रही है हमारी। इसलिए ना जो भी मतलब ये फूल गोभी था ना, इसको डंठल को मैं टुकड़ा टुकड़ा काट देती हूँ, इनको खाने में इजी हो जाएगा। चलो गाय गाय माता आई सुबह सुबह हमारे घर, अब खा लिया जाओ। गौ माता हमारी खा ली, अब जा रही है अपने कहीं दूसरे अड्डे पे। देखो कोई ना पूछने वाले तब भी मस्त है एकदम। चलो मैं अब अंदर चलती हूँ, ये सब लेकर के अंदर घर में थोड़ा काम करूँगी रे भैया। देखिए 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 अंधेरा कायम रहे। चाय तो मैंने बना के पी ली,
सब्जी वगैरह सफर ही हुई है, प्याज आलू गोभी, अभी तो गोभी गोभी दिखते हैं क्या बनाऊंगी वो सोच रही हूँ। अरे पानी लगाना है स्विच। चलो ये सब इधर का थोड़ा लिपटा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो है गुड मॉर्निंग, मैंने सुबह कर दी थी गुड मॉर्निंग, वैसे फेस नहीं दिखाई थी, गर्मी पूरी तरह बढ़ने लग गई हम लोगों के यहाँ। अब देखो अभी बज रहे हैं दिन के 10:30, और इतनी तेज़ धूप है, बाहर जाओगे ऐसा लगता है चींटी काट रही, चींटी। तो आज मैं बना रही हूँ, उधर सब मैंने दे दी चिड़िया चुनमुन गाय बछड़ा कुत्ते सबको दे दी, पालतू जितने भी मेरे जानवर जी है। अरे आज मैंने भगवान जी की लाइट जलाना ही भूल गया, स्वप्निल जो सोता रहता है ना, तो लाइट जला दिया, झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं की हूँ, और सब्जी की इंतजाम कर रही थी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, बैक कैमरे से दिखाऊँ आप लोगों को, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बेसन थोड़ा है, थोड़ा चावल का आटा जो होता है ना हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं, कर ले जुगाड़ कर ले, तो मैं दिखाती हूँ एक बार आपको बैक कैमरे से। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों की तेल डाल दी हूँ, और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की कोफ्ते, ठीक है। तो पत्ता गोभी को मैंने बारीक काट ली हूँ, और इसको इसमें जार में डाल करके चला दी थोड़ा पानी डाल के, उसके बाद सारे उसमें निकाल ली, नमक डाल के मैंने आधा घंटा छोड़ दी, सब पानी निचोड़ करके फेंक दी। ये सूखा वाला देखो पूरा सूखा है हमारा, सूख चुका है ये। और इसमें मैं थोड़ी सी देखो ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन, और प्याज नहीं डालूँगी मैं। और ये देखिए धनिया पत्ता मैंने ऐसे डाल दी थी पानी को, मतलब जब डाली थी नमक, सॉरी तभी डाल दी थी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये बेसन, और थोड़ी सी मैं चावल का आटा डालूँगी। आप इसे जुगाड़ समझ लो या बेसन मेरे कम थे ये समझ लो। और अगर खाली खाओगे ना पकौड़े चटनी के साथ करारे करारे बनेंगे, मैं वैसे इसकी ग्रेवी वाली बनाऊंगी चावल के साथ, बहुत ही मज़ा आता है ये रोटी के साथ। अब मैं इसमें नमक हल्दी मिर्च थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। तो आप खुद देखिए ये जब मतलब पानी डाल करके, और मैंने छोड़ दी थी ना जो सारे पानी तो निकल गया पत्ता गोभी का, नहीं तो अगर वैसे पहले डाल अब डालती ना सारे पानी मतलब छोड़ देता तो वो ऐसे हो जाता। ये देखिए कितने अच्छे से जैसे आटा हम गूंथते हैं ना वैसे अच्छे से। और मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी पकौड़ा है ना। और ये क्या मैं बताऊँ, मैं तो ग्रेवी के साथ बना रही हूँ, सूखा भी आप शाम हम कुछ चाय के साथ खाओगे ना, चटनी के साथ लहसुन की चटनी के साथ क्या मज़ा आता है। मैं एक बार गोल गोल राउंड राउंड बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए सब मैंने राउंड 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 बना ली, क्योंकि हम दो जने ही खाने वाले हैं, शाम की चाय के साथ तो ज़्यादा खा लेते हैं, अभी तो हमें चावल के साथ खाना, इतना बनाई। और ये देखिए मैं एक एक करके गरम है हमारा तेल, तो ऐसे में सब डाल देती हूँ मैं। ये दे मतलब डालती हूँ, आँच है कम, धीरे धीरे अंदर तक सिद्ध होना चाहिए। पत्ता गोभी भी है और जो भी है बेसन और वो आटा वगैरह अंदर तक अच्छे से सिद्ध हो जाएगा, तो पलटा दूँगी इसको, फिर कैसे मैं ग्रेवी बनाती हूँ वो भी ज़रूर दिखाऊँगी, तो आप लोग बने रहो जी। ये देखिए किसी का फ़ोन आ गया था, मैं बात बात में दिमाग से उतर गया, मैंने तेल को इसमें जो ये देखिए ये पकौड़े मैंने अच्छे से फ्राई करके सब निकाल दी, ऐसे करारे करारे हो गए। तो और मैंने ये देखिए धनिया मिर्ची हल्दी नमक सब इसको घोल बना के रख ली हूँ, इधर टमाटर पीस के रख ली थी, और जैसे आपको मैंने दिखाई थी प्याज लहसुन अदरक सब मैंने इसमें डाल दी, इसको थोड़ा फ्राई कर देती हूँ जैसे गोल्डन सा और मतलब थोड़ा सा भुन जाएगा, तो उसमें मैं सीधे डाल दूँगी ये मसाला, और मसाला डालने के बाद ये भुन जाएगा टमाटर और धनिया पत्ता ये काट के रखी मतलब रखी हूँ अभी धुल के, जितना भी अपने हिसाब से ग्रेवी डालूँगी वो मैं दिखाती जाऊँगी आपको भी। तो ये हमारा प्याज देखो थोड़ा थोड़ा सा भुनता गया, इसमें ये जो मैंने मसाला मिला के रखी थी मैंने डाल दी हूँ, इसको भी थोड़ा सा चला लेती हूँ। ये मैंने मसाले भी मेरे थोड़े से भुन गए, ज़्यादा नहीं भुनना होता है। और ये टमाटर मैंने ज़्यादा करके डाली थी क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी भी ज़्यादा बन जाता है और स्वाद भी थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो जाता। तो अब इसको जब तक मैं चलाऊँगी जब तक तेल ना छोड़ दे इस टमाटर में, आँच को कर देती हूँ सिम, और उसके बाद बस आपको जिस हिसाब से डालने हैं रस उस हिसाब से, रोटी के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ा कम मतलब गाढ़ा होना चाहिए, और चावल के साथ खाओगे तो पतला। ये हमारा देखिए तेल छोड़ चुका है मसाला, अब अपने हिसाब से ग्रेवी डाल के, और जैसे ही उबलने लग जाएगा वो मतलब उसमें जो रस डालेंगे तो बस ये गिरा देंगे, ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे, बस बन गया हमारी ये पत्ता गोभी वाली कोफ्ता। तो आप लोगों को अगर ये पत्ता गोभी वाली कोफ्ता पसंद आती है तो एक एक लाइक कर देना,
अगर वो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देख सकें। ऑल वाले बटन को ज़रूर 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 दबाना, सब्सक्राइब करोगे तभी बेल बटन दब, सब्सक्राइब जैसे ही करोगे ना तो ऑल वाला बटन सबसे पहले दबता है, मतलब आता है तीन ऑप्शन, उसमें ऑल वाला बटन आप लोग मतलब दबा देना और कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ जो भी वीडियो डालूँ तो आप लोग तक ज़रूर पहुँचे। अलग अलग मैं वीडियो में खाना भी अलग अलग रेसिपी में डालती रहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ 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 ज़रूर देखना। तो ठीक है, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, देखते हैं थोड़ा बहुत बन पाएगा तो ठीक है। ये सब्जी वाली को अभी यहीं पे एंड करते हैं, बस रस डाल दूँगी और मैं वो लगा दूँगी थंबनेल में फोटो, तो आप लोग देख लेना। ये हमारी सब्जी तैयार है बन करके, अब मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ क्योंकि हमें खाना है चावल के साथ। और अच्छे से ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए फूल करके, और इधर मिक्स वाली सब्जी बना रही हूँ, पत्ता गोभी आलू मटर गाजर मूली सब डाल दी हूँ, जितने भी मिक्स वाली थोड़ी थोड़ी सब्जी फूल गोभी चार पांच तरह के आइटम सब डाल दी हूँ जी। अब ये सब्जी भी बन गए, दो कढ़ाई और मांजने के लिए हो गया। इधर मैंने चावल धो के, आप लोगों को पता है कि मैं एक घंटे पहले, जैसे मैं कई बार बताती हूँ, रखती हूँ। और ये थोड़ी सी सब्जी बची है सुबह की, सूखी वाली स्वप्निल को बना के दी थी, बहुत सब्जी बहुत बनाना पड़ता है मुझे तीन बार दो बार। और ये सारे बर्तन जो बड़े वाले थे उसमें डाल दी हूँ, और इधर ये थाली लगा दी, ये छोटे वाले जितने थे मैंने, पानी निकल जाएगा, कीचड़ तो हो ही चुका है नीचे, अभी धुलाई करूँगी। और ये हमारी कप कल दो बार गिरी, शाम को टूट ही गई, तो किसी काम, कल जब कुत्ते को दूध दे रही थी जब, अभी इधर कहाँ आ रहा है कीचड़, कीचड़ है पूरा, कीचड़ फैलाएगा क्या। तो ये हमारी सब्जी बन गई है, नहा धो के फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो जी, मैं आ गई नहा करके और फिर से जुखाम ले करके। कल रात को थोड़ी सी बाहर मैं हवा में निकल गई थी, फिर से जुखाम हो चुकी है और जुखाम लेकर के घूम रही हूँ फिर से। आज गला और नाक फिर ऐसा लगा जैसे कुछ कुचाहट होती है ना अपने को, वैसी सब घर का काम धाम हो गया, हवा चल रही है, ये कपड़े उतार के रख दी हूँ, अभी सारे फोल्ड करेगा स्वप्निल, मैं नहीं कर रही हूँ कपड़े, मैं फोल्ड नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। और मैंने ये देखिए मैंने किचन को पूरा, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए पूरा रगड़ रगड़ के झाड़ू से और सर्फ डाल करके मैंने क्लीन कर ली हूँ पूरा, थोड़ा थोड़ा दाग धब्बा है, वो बाल्टी रखती थी वहाँ पे इसीलिए, तो पूरा साफ़ सुथरा कर चुके हैं। एक बार गैया माता को सब कुछ दे आई थी, दूसरी बार फिर सब्जी जो बनाई ये भर चुकी है, दिया उनके बाद में इतने बर्तन धोने के बाद भी दो कड़ाही परी हुई है हमारे इसमें सिंक में, और सब घर का काम धाम हो गया। तो थोड़ा सा भीक्स विक्स लगाती हूँ नाक में, अभी दिन के कितने बज रहे हैं, दो बजने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं चला, दिन के बज रहे हैं दो, मैं जा रही खाना खाने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में हम लोग फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।